हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। वेलकम बैक टू श्याम चौधरी ब्लॉग्स अगेन। गाइस, वैकेंसी है स्टाफ नर्सेस के लिए एंड ये वैकेंसी जो है वेस्ट बंगाल से अभी जो है आ रहा है। बारिश हट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति वेस्ट बंगाल से ये जो वैकेंसी है, एड्रेस यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, एड्रेस देख लीजिए। ऑफिस ऑफ द CMOH बारसठ हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, बारसठ DH कंपाउंड, PO बदरतला, बारिशहट। सो गाइस, एक वर्क इन बेसिस इंटरव्यू में जो है सिलेक्शन किया जाएगा आपका। ये सारे वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से देख लीजिए। नंबर 3 पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल 7 वैकेंसी से 25,000 पर मंथ सैलरी रहेगा। बारसठ म्यूनसिपालिटी एंड बदरतला म्यूनसिपालिटी में जो है पोस्टिंग प्लेस रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। 3 जनवरी को जो है आपकी इंटरव्यू है, देख लीजिए। एंड उसके बाद नंबर 6 में देखिए, साइकेट्रिक नर्स की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, 25,000 रुपये सैलरी रहेगा। बारिशहट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट में जो है पोस्टिंग किया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस में जो है सिलेक्शन किया जाएगा। 6 तारीख को इंटरव्यू है। 7 नंबर पे स्टाफ नर्स के लिए एक वैकेंसी है, 25,000 रुपये सैलरी रहेगा। बारिशहट म्यूनसिपालिटी में पोस्टिंग की जाएगी एंड 6 तारीख को आपका भी इंटरव्यू किया जाएगा। एंड उसके बाद 10 नंबर पे देखिए, स्टाफ नर्स की 4 वैकेंसी है। 25,000 सैलरी, बारिशहट म्यूनसिपालिटी में पोस्टिंग प्लेस रहेगा। 4 तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। CHA की वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट। बोथ ANM एंड GNM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे ये देख लीजिए, ये सारे जो है वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से टेबल दिया गया है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जरूर इंटरव्यू अटेंड कीजिएगा। ये देखिए, एज रिलैक्सेशन रहेगा कैटेगरी के वाइज। एंड ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है आपको सेल्फ अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ। एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको इंटरव्यू के दौरान जो है आपको सबमिट करना है। आपको बाय पोस्ट ऑफ या फिर जो है कुरियर के माध्यम से सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरव्यू के दौरान में जो है आपको देना है एप्लीकेशन सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटैच करके। ये देखिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। GNM एंड BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है करियर मार्किंग के बेसिस में जो है आपकी सिलेक्शन किया जाएगा। यानी GNM एंड BSc में जितने भी स्कोर किए हैं आप परसेंटेज, उसके बेसिस में जो है 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा रेस्पेक्टिव डेट में। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ इंटरव्यू डेट्स सारे पोस्ट के। सो उस डेट में जाकर आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। एंड और भी कई सारे पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन डिफरेंट रखा गया है। मैं आपको दिखा दूंगा सारे क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या रखा गया है क्वालिफिकेशन। ये देखिए, साइकेट्रिक नर्स की जो वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, BSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग और MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग। एंड अगर GNM कैंडिडेट है कम्युनिटी नर्स के लिए, GNM कैंडिडेट जो है 1 मंथ की अगर आपकी ट्रेनिंग इन साइकेट्रिक नर्सिस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 1 मंथ की एक्सपीरियंस जो है मैंडेटोरी है फॉर दी GNM कैंडिडेट्स। एंड ये देखिए, स्टाफ नर्स के अगेन वैकेंसी है। GNM सेम जो है क्राइटेरिया रहेगा। GNM एंड BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट बी रजिस्टर्ड विथ वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड करियर मार्क्स बेसिस में जो है सिलेक्शन किया जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर पे जो है अगेन स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स GNM एंड BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट बी रजिस्टर्ड विथ वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल। सो ये भी जो है सेम क्राइटेरियाज दिए गए हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम रहेगा, कैरियर मार्क के बेसिस में जो है सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट ANM एंड GNM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड मोस्ट बी रजिस्टर्ड विद वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल। हालांकि CHA के लिए जो है सैलरी कम है। GNM कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं 13,000 रुपीज़ उनका जो है CHA की कैंडिडेट की सैलरी रहेगा। अगेन यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, सेम जो है एजुकेशन क्राइटेरियाज रहेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहेगा। सो गाइस, ये थे सारे जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। इंटरव्यू डेट भी आपको पता है। एंड ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इसे फिल करके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के कॉपीज जो है आपको सेल्फ अटैच करना होगा। एंड अगेन जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग एड्रेस मिल जाएंगे आपको।
सो जो भी कैंडिडेट ये एक कंट्रैक्ट बेसिस में जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं जरूर इंटरव्यू अटेंड कीजिएगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एंड टर्म के लास्ट में जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग के और एक रिक्रूटमेंट के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूँ श्याम चौधरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।